जी गुड मॉर्निंग बेटा, आप सब लोगों ने फिफ्थ प्रैक्टिकल तक कर लिया है। आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा फिफ्थ प्रैक्टिकल तक, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं आपको सिक्स प्रैक्टिकल से समझा रही हूँ कैसे क्या प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? ये वीडियो आपका उसी के ऊपर है। तो आप पेज नंबर 308 पर आ जाइए, ठीक है? पेज नंबर 308, इसमें आपका है प्रैक्टिकल 6A, ठीक है? ये 6A है जो आपको वो नहीं करना है, प्रैक्टिकल नंबर 6A नहीं करना है आपको। हाँ जी, प्रैक्टिकल नंबर 6A नहीं करना है, इसे आप काट देंगे, ठीक है? अब इसके बाद आ जाइए 6B पर, ये आपको करना है, 6B वाला करना है। पर इसमें आप प्रैक्टिकल नंबर 6 लिखेंगे बस, खाली 6B नहीं लिखेंगे। फिफ्थ तक करा है ना, अब उसके बाद आएगा प्रैक्टिकल नंबर 6, 6B कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ 6 लिखेंगे। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको एक खिलौना बनाना है, ठीक है? कोई भी बाहर से सामान नहीं खरीदना है, जो भी घर में सामान अवेलेबल है उसी से सब लोग बनाएंगे। इसमें तीन खिलौने हैं, उसका एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो रोड रोलर का दे रखा है, हैंडमेड ड्रम का दे रखा है, और उसके बाद आपका दे रखा है कपड़े के खिलौने का एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें से कोई एक बनाना है आपको, ठीक है? ये तीन में से कोई एक बनाना है, या फिर आप चाहते हैं कुछ और बनाना, कोई भी खिलौना बनाना चाहते हैं जो आपको आपके पास सामान अवेलेबल है, जिस आपसे बन सकता है कोई खिलौना, है ना, वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही तीनों में से कोई एक बनाना है, आप कोई अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, कोई सा भी खिलौना बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सामग्री एक बतानी पड़ेगी, क्या क्या सामग्री आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उसके बनाने की विधि, क्या क्या आपने स्टेप उसमें यूज़ किए हैं, और व्याख्या ज़रूर लिखनी है, मतलब किस एज ग्रुप के लिए आप बना रहे हैं, है ना? 1 से 3 साल के लिए बच्चे के लिए है, या 4 से 5 साल के बच्चे के लिए है खिलौना जो आपका है ना, कितनी एज तक के बच्चे के लिए, और इससे कौन सी आपकी मस्कुलर एक्टिविटी होती है, ठीक है? जैसे ये वाला है आपका रोड रोलर है, इससे कौन सी मस्कुलर एक्टिविटी होती है, इस क्रिया के द्वारा बच्चों के टांगों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं तथा चलने की क्षमता विकसित होती है। ऐसे जो आप खिलौना बना रहे हैं, है ना, वो किस एज के ग्रुप, सॉरी किस एज ग्रुप वालों का है, और दूसरा उससे आपका क्या फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? कौन सी मांसपेशियां उसमें यूज़ हो रही हैं आपकी, ये क्लियर है सबको? ये वाला प्रैक्टिकल 6, ठीक है? 6B नहीं लिखना है, 6 लिखेंगे बस, ओके?